राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों यहाँ पर CGTT की बात कर रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम 18 सितंबर को होनी है और आज से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। आज की टॉपिक है सामाजिक अध्ययन का पेपर 2 प्रश्न पत्र है, जो कि महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब और एक लाइक करके ज़रूर रखें। सामाजिक अध्ययन के पेपर 2 में आपका 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 30 MCQ देखने वाले हैं, टोटल महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में ऐसे ही रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है उन्हें क्या कहते हैं, तो ये पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका होगा व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा, व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके पास 5 से 6 दिन बचे हैं। एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर जाएं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से समुदाय कौन सा है, तो ऑप्शन है गांव, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है राष्ट्र, ऑप्शन डी है बंदी गृह। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गाँव, जो कि संस्था परिवार का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किस विद्वान का है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, LF वार्ड। ठीक है, LF वार्ड है, जो कि समाज शास्त्र का विज्ञान है। नेक्स्ट है समिति का प्रमुख लक्षण है, तो समिति का प्रमुख लक्षण होगा आपका व्यक्तियों का संगठन और निश्चित उद्देश्य, यानी कि टोटल आपका 30 MCQ कराएंगे सामाजिक अध्ययन से। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको TET के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है शिक्षा जीवन यापन की प्रक्रिया है, किसने कहा है, जो शिक्षा है जीवन यापन की प्रक्रिया है, यह आपका जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, इसको याद करके जरूर जाएं। एक बार परीक्षा दिलाने से पहले वीडियो को जरूर देखें, हो सके तो वीडियो को लाइक करके जरूर रखें। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे और किसके परिवर्तन करता है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक संबंधों में। ठीक है, सामाजिक संबंधों में नातेदारी व्यवस्था में मूलतः निम्न में से कितने पक्ष होते हैं, तो नातेदारी व्यवस्था में कितने पक्ष होते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, 2 पक्ष। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, जो कि नातेदारी व्यवस्था में मूलतः होते हैं। पाषाणकालीन मानव का निवास स्थान कहाँ था, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए प्राचीन पाषाणकालीन मानव का जो निवास स्थान है ये इसका कौन सा है, तो ऑप्शन ए है ईंटों का मकान, ऑप्शन बी है पत्थरों से बना मकान, या ऑप्शन सी है वृक्षों की शाखा या गुफाओं का खुल का आकाश के नीचे, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वृक्षों की शाखा या गुफाओं की खुल या आकाश के नीचे, जो कि पाषाणकालीन मानव का स्थान माना गया है। आग की खोज का सर्वप्रथम किस काल में हुई थी, आप सभी को पता है आग की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। कौन से पाषाण काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में। एग्जाम में आ जाए तो आपको ए ऑप्शन लगाना है, आग की खोज सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए है पाषाण युग, ऑप्शन बी है लौह युग, ऑप्शन सी है ताम्र युग, या ऑप्शन डी है कांस्य युग। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आपका हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था, तो बंदरगाह नगर कौन सा था, तो ऑप्शन लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लोथल, जो कि लोथल बंदरगाह में स्थित नगर है। ठीक है, प्रसिद्ध सार्वजनिक स्नानागार कहाँ है, जो प्रसिद्ध सार्वजनिक स्नानागार है कहाँ प्राप्त है, तो लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो या रंगपुर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्नानागार का, इसका आंसर सी होगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो प्रसिद्ध है स्नानागार के लिए। सूक्त क्या है, तो सूक्त क्या होता है, एक वेद का एक अंग होता है। ठीक है, वेद का एक अंग होता है। ठीक है, क्या होता है, वेद का एक अंग होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए इसका आंसर, ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पावापुरी,
और चौथा है पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र है ना, ये ऑप्शन में पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर आपका ए होगा, कुंडग्राम वैशाली में। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट के नीचे बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी बोधगया। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ हुआ था, इसका आंसर बी लुम्बिनी होगा। तो आप इसका आंसर भी बताइए कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, और इसका बचपन का नाम क्या रखा गया था, ठीक है, बचपन का नाम क्या रखा था, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, साथ ही हो सके तो सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन निम्न में से किससे अध्ययन है, अब सामाजिक विज्ञान की क्लास देखेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि अध्ययन में किसके अध्ययन सामग्री से प्राप्त होता है, तो चलिए देखते हैं, इतिहास से, अर्थशास्त्र या भूगोल से या केवल एक से। तो इसका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर केवल एक आएगा या एक या दो या दो या तीन या एक दो तीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी एक दो तीन, जो कि तीनों है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल तीनों से यहाँ पर अध्ययन सामग्री प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन का प्रकृति परिवर्तनशील रही है, या ऑप्शन बी कहता है प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन को केवल वर्णनात्मक विषय माना जाता है, या ऑप्शन सी कहता है सामाजिक अध्ययन के प्रारंभ में कारण या काल से संबंध के बल दिया जाता है, ऑप्शन डी है सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से शिक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ में इसका वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से शिक्षण किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा डी, ठीक है। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन में शामिल है, तो सामाजिक अध्ययन में कौन सा शामिल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जो कि सामाजिक धार्मिक से, सामाजिक राजनीतिक से और सामाजिक सांस्कृतिक से, ये तीनों से शामिल है। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में सत्य नहीं है, तो 1986 के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट में कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 के लेवल में यानी कि केवल केंद्र शासित प्रदेश को लागू है, ये उसके बारे में सही नहीं है, जबकि शिक्षा नीति 1986 में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया था, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा की बात कही गई थी, ये दोनों सही हैं, और ये गलत की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बिना बोझ के शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों का विचार करना है, तो देखिए यशपाल समिति ने विश्वविद्यालय स्तरीय पर शिक्षण प्रक्रिया को बिना बोझ के शिक्षा बताया, या फिर यशपाल समिति ने व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर बल दिया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर आपका बी होगा, केवल सेकंड, जो कि यशपाल समिति ने व्यापक तथा सतत मूल्यांकन पर बल दिया था, ना कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के गठन में निम्न किस संस्था द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, केवल एक, जो कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए लागू है, ठीक है। इसके बाद 21 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जबकि इसमें विज्ञान दिया है, समाजशास्त्र दिया है, जबकि समाजशास्त्र यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जितने भी समाजशास्त्र दिए हैं यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिक, भूगोल और इतिहास, ये प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। हमारे जैसे विविधता पूर्व यहाँ पर समाज में जो पाठ्यक्रम पुस्तकें इस प्रकार क्या होनी चाहिए, आप बताइए, तो इसका आंसर होगा सी, सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का उसका जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, देखिए यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, 1986 में निम्न किसके लिए एकीकृत है, तो एकीकृत किसके लिए है, तो 23 का आंसर ए होगा, ठीक है, यहाँ पर सुझाव दिया गया था, ठीक है, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट है
किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका आंसर आपका बी होगा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने वाले विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय, इसको ध्यान से समझिएगा, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना जरूरी है या एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं, विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना या केवल मूल्यों पर बल देना, या फिर तथ्यों मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना या केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। तो इसका आंसर आप क्या होगा जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है, तथ्यों मूल्यों और आदर्शों पर बल देना। ठीक है, नेक्स्ट है समाज विज्ञान साथ ही शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, जो भाषा होती है कैसी होनी चाहिए, तो पक्षपात पूर्ण होनी चाहिए, आंसर सी होगा। ठीक है, पक्षपात पूर्ण। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत लोगों का सी आया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 का क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए 30 MCQ लाए थे, यहाँ से आपको 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेपर टू की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर आपका होगा 28 का डी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक करना चाहता क्या करना चाहता है, कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक क्या करना चाहता है, तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कक्षा में शांति बनाए रखना चाहता है, या छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर कक्षा में प्रश्न पूछकर शिक्षक क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी के लिए क्वेश्चन है, अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो क्या करेंगे, अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो बच्चों को प्रश्न पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे, बिल्कुल सही है। कक्षा में शांति बनाए रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों में उत्तर देने की क्षमता का विकास, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ पर 30 बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती है जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना का पूरा करने के लिए करवाती है, या फिर शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावा करती है, या फिर उनमें उसका विश्वास की गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, या फिर यहाँ पर होगा शिक्षा यह नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, 30वां का आप आंसर में जरूर दें। और आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो इसका आंसर भी आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो लोग TET की एग्जाम दिलाने रहे हैं उसके 5 से 6 दिन बचे हैं, एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चले जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर